बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बिहार पुलिस पर जमकर बरसे। निर्दोष को गिरफ्तार करने को लेकर बीजेपी नेता लखीसराय पुलिस की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के मन में खौफ पैदा करे और गलत तरीके से काम करे। अगर ऐसा किया गया तो कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त सर जैसा, अरे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है हम लोग नहीं समझते हैं जी। अगर जो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो तो अपराधी को तो मन के अंदर भय पैदा हो, लेकिन पैसा ले लेकर के लोग इन्वेस्टिगेशन में दफा दफा होता है। अगर जो कार्रवाई हुई है तो ईमानदारी से कार्रवाई सफल हो। ये व्यवस्था न बने कि किसी को लेकर के किसी को पकड़ के खाना पूर्ति कर दे, ये तमाशा अच्छा नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये पूरे मामला को हम लोग संज्ञान में ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं लखीसराय को चारागाह नहीं बनने दूंगा। मैं विधानसभा अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। ऐसे में जरूरत पड़ी तो विधानसभा में कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। वहीं जो जनप्रतिनिधि ये मुद्दा उठाएंगे उनकी बात को गंभीरता से सुनी जाएगी। कमरपुर के गौतम महतो एक बूथ का कार्यकर्ता है। अब वहाँ नाच गान हुआ, राइफल लेकर के सारा वीडियो जारी हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वैसे जो उद्घाटन किया जो आयोजक करता है उस पर कार्रवाई नहीं करके जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं या उसके सहयोग में हैं उस पर कार्रवाई करना, अपने आप को ये सब क्या कर रहे हैं। दरअसल सरस्वती पूजा के अवसर पर लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के टाल क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दूसरे दिन ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। वहीं हथियार के प्रदर्शन के साथ साथ नर्तकी पर पैसे की बरसात भी की। वहीं जिले के बीरूपुर थाना अंतर्गत गिरधरपुर पंचायत के गिरधरपुर गांव में और पाली पंचायत के कमरपुर व एजनी घाट पंचायत के रुस्तमापुर गांव में भी पूजा स्थल पर बार बालाओं का अश्लील डांस का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही दो वैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो केवल ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे। वहीं फिर उनसे जबरन जुर्म कबूलने को ही कहा, साथ ही पैसे देकर जमानत दे देने की बात भी कही। इस बात के सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष आग बबूला हो गए और पुलिस को फटकार लगाई। हालांकि थानाध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का सत्यापन कर 21 लोगों को नामजद और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई, सभी पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।